हेलो गाइस, म्यूजिकल ग्रुप चैनल में आज आपका स्वागत है और मैं हूँ लक्की प्रजापत। आज मैं आपको ब्लैकमेल मूवी का एक सॉन्ग बजाकर बताऊंगा, उसके नोट्स भी लिखवाऊंगा। उसको उसके सिंगर है किशोर कुमार ने गाया है इसको, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो आपको आज मैं इसको जैसा ओरिजिनल बजा है उसी तरीके से बजाकर बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। तो इसका जो पहला म्यूजिक है आपको मैं बजाकर बताऊंगा, पहले डेमो में बजाऊंगा फिर उसके बाद नोट्स लिखवाऊंगा। तो आप स्किप ना करें वीडियो को। तो इसका म्यूजिक स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद गिटार यूज होगा। फिर अकॉर्डियन, फिर स्ट्रिंग, तो आप इसके नोट्स लिख लीजिए। तो देखो स्ट्रिंग पे पहला पार्ट बजेगा, स्ट्रिंग पे मैं बजाकर भी बताऊंगा आपको। सा आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार बजाकर भी बता दूंगा कैसे बजेगा। ये नोट्स है इसके पूरे। पहला स्ट्रिंग पे बजाए, फिर गिटार यूज हुआ है, फिर गिटार अकॉर्डियन, फिर स्ट्रिंग। आप ये नोट्स लिख लीजिए। और सिखाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप जल्दी जल्दी नोट्स लिख लीजिए, आगे मैं बताता हूँ आपको। तो मैं मानता हूँ कि आपने नोट्स लिख लिए होंगे। उसके बाद देखो आपकी भी कॉपी साथ में रखिएगा और मेरी भी मैं रखूँगा, आपको बताते जाऊँगा कैसे कैसे बजाना है। तो पहला पार्ट जो स्ट्रिंग पे बजाए वो ऐसा बजाए, सा नी ध प ध। फिर उसके बाद आपको गिटार यूज करना है, साम सा नी ध पनी ध प मग रे ग म। फिर गिटार यूज हुआ है, साम सा नी ध पनी ध पनी ध पम गरेगा। आपको दोस्तों आ गया होगा समझ में। फिर अकॉर्डियन यूज हुआ, उसके बाद म ध सा ध। तो प को बस टच करना है, प ध रे ग म। फिर उसके बाद स्ट्रिंग यूज हुआ है ऐसा, म प ध नि सा रे ग म म म। तो ऐसा आएगा, म म म म प ध ध ध नि सा 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 नि ध ध ध ध धनी ध ध धनी ध ध रे ग म। दोस्तों आपको पहला म्यूजिक आ गया होगा। यदि नोट्स अभी नहीं लिखे तो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, नोट्स लिख लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको स्थाई बजाकर बताऊंगा कि स्थाई कैसे बजाते हैं। पल पल दिल के पास पूरी व्यवस्थित तरीके से लिख कर बताया है मैंने, आप भी इसी तरह से नोट डाउन करिएगा। तो आपको मैं बताता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी तुम कहती हो। फिर पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो इसके नोट्स लिख लीजिए, फिर आपको मैं एक बार नोट्स गाकर बजाकर बता दूंगा। ये लिख लीजिए दोस्तों नोट्स, पल पल दिल के पास, तो रे ग म ध प प।
तुम रहती हो मगरे गगम, फिर जीवन मीठी प्यास ये तुम कहती हो। धनी सारे सासा निध पद धनी ध, फिर पल पल दिल के पास तुम रहती हो। रे ग म ध प प मग रे ग म। दोस्तों आपने लिख लिए होंगे नोट्स, अब मैं आपको इसको बजाकर बता देता हूँ। तो पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो रे ग म ध प मग रे ग म। जीवन मीठी प्यास ये तुम कहती हो। तो धनी सारे ससा नी ध प ध धनी ध, फिर वापस से पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो वो वैसा कि वैसा ही बजाना जैसे हमने पहले बजाया था, पल पल दिल के पास। रे ग म ध प प मग रे ग ग म म। अब इसका सेकेंड म्यूजिक आपको बजाकर बताऊंगा मैं। तो अकॉर्डियन से स्टार्ट होता है, ध प म प ध नि सा रे, फिर स्ट्रिंग यूज होगी इसके बाद। रे 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 ग म मग रे, फिर गिटार यूज होगा उसके बाद। धरे ध ध धरे ध ध धरे ध ध धरे ध ध, फिर वापस से स्ट्रिंग बजाना है। रे रे रे, फिर गिटार यूज करना है। नी रे नी 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 रे नी 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 रे नी 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 रे नी नी, फिर अकॉर्डियन यूज करना उसके बाद। सा ध प मग सा रे म, फिर स्ट्रिंग पे। सा ध प मग सा रे म, सा ध प मग सा रे म, तो आपको आ गया होगा। उसके बाद से अंतरा स्टार्ट हो जाता है। तो इसके नोट्स आप लिख लीजिए सेकेंड म्यूजिक के। तो पहला है ध प म प ध नि सा रे, तो अकॉर्डियन पे आपको बजाना है ध प म प ध नि सा रे, फिर स्ट्रिंग पे। रे 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 ग म म रे रे, फिर गिटार पे। धरे ध ध धरे ध ध धरे ध ध धरे ध ध, फिर स्ट्रिंग पे। रे 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 ग म म रे, फिर गिटार पे। नी रे नी 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 रे नी 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 रे नी 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 रे नी नी, फिर अकॉर्डियन पे। सा ध प मग सा रे म, फिर स्ट्रिंग पे। सा ध प मग सा रे म। तो दोस्तों सेकेंड म्यूजिक आपको अच्छे से आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो वापस से आप पीछे करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको मैं अंतरा बता देता हूँ, अंतरा कैसे बजाना है। इसका अंतरा है, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है,
मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, फिर पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो इसके भी नोट्स आप लिख लीजिए दोस्तों। ये हर शाम आंखों पर तेरा चले लहराए, सारे रे 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 ध ध ध प म ग रे सा 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 रे सा नी नी ध प प नी नी ध ध। तो आपको एक बजा कर बता दूंगा ये वापस से एक बार। हर शाम आंखों पर तेरा चल ले राए सा, हर शाम आंखों पर सा रे तेरा चल ले राए रे ध ध प म ग रे सा। फिर हर रात यादों की बारात ले आए सा 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 रे सा नी नी ध प प नी नी ध ध। फिर मैं सांस लेता हूँ ध प प ध ध प प म सा ध प प ध ध प प म सा। फिर एक महका महका, ये दो ही एक ही जैसा बजाए, देख लीजिए आप। ध ध प प प, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं सांस लेता हूँ, एक महका महका सा, दो ही लाइन एक जैसी ही बजेगी। आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आए बजाने में। और मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत, ये वाली लाइन इसकी कॉपी है, देख लीजिए भले ही से। हरे रात यादों की बारात ले आए, और मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, वापस से पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये तो अपन ने जैसे पीछे बजाया था वही की वही यहाँ कॉपी होगा। आपको मतलब अंतरे में दो पार्ट तो एक जैसे हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, और ये दो ही एक जैसे। मतलब आप एक बार कंप्लीट बजाना सीख जाओगे तो दूसरा अपने आप बजा लोगे। तो एक बार मैं पूरा अंतरा बजा कर बता देता हूँ आपको। हर शाम आंखों पर तेरा चले ले राए, हरे रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। फिर उसके बाद हम तीसरा म्यूजिक देखते हैं। इसमें तीसरा म्यूजिक कैसा है, अकॉर्डियन से स्टार्ट है तीसरा म्यूजिक। मध सा ध प ध प को बस टच करना है, प ध प ध रे ग म। जैसे अपन ने पहले, जैसे आपको बता दें ये म्यूजिक अपन बजा चुके हैं, ये फर्स्ट में यहाँ से बजाए, ये अपन को सिर्फ यहीं से यूज़ करना है। जैसे पहला म्यूजिक जहाँ लिखवाया था ना, तो थर्ड म्यूजिक भी यहीं से इसका कॉपी है यहाँ तक। तो आपको जैसे मैं बता देता हूँ एक बार अच्छे से, तो थर्ड म्यूजिक देख लीजिए, यहाँ से थर्ड म्यूजिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ऐसा बजाना है, म ध सा ध प ध प ध रे ग म, फिर स्ट्रिंग यूज करना है ये म प ध नि सा रे ग म म म प ध ध ध नि सा 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 नि ध ध ध
धनी ध धनी ध रे ग म। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए एक बार थर्ड म्यूजिक करके। और यदि बजाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है सिखाने का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। जैसे थर्ड म्यूजिक हो गया है उसके बाद फिर से अंतरा, इसमें टोटल 3 अंतरे हैं। तो आपको अंतरा वैसा कि वैसा ही बजाना है जैसा हमने पहला अंतरा बजाया था ना, बस शब्द चेंज हो जाएंगे, बस बाकी अंतरे में जो भी ये नोटेशन है बिल्कुल सेम बजेंगे। तो आपको सेम ही नोटेशन बजाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर उसके बाद जो म्यूजिक है फोर्थ म्यूजिक, तो फोर्थ म्यूजिक सेम टू सेम है सेकेंड म्यूजिक का, ये सेकेंड म्यूजिक का ऐसा ये। जैसे फोर्थ म्यूजिक हो जाएगा हमारा, फोर्थ म्यूजिक के बाद फिर से एक अंतरा आएगा। तो अंतरे में आपको फिर वापस वैसा कि वैसे नोटेशन से बजाना है क्योंकि शब्द चेंज होंगे, नोटेशन चेंज नहीं होंगे। फिर उसके बाद आपको पहला म्यूजिक वापस से लेना रहेगा टोटल, क्योंकि 3 अंतरे हैं इसमें। और यह म्यूजिक ऐसे ख़त्म हो जाएगा। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इसी तरह से मैं आपको नए नए वीडियो बना बना कर भेजते रहूँगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।